गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज फिर से क्लास 10 के बच्चों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। तो आप इस थ्योरम को ज़रूर देखें। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पर जरूर अति करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि क्या बताने जा रहे हैं आपको। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए ट्रायंगल चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताएंगे और उसको कैसे प्रूव किया जाता है इस चीज़ को बताएंगे, है ना। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। कहता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल को इंटरनली जब बाइसेक्ट करते हैं, यानी कोई एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला इंटरनली, यानी कोई एंगल को इंटरनली यानी अंदर से कोई एक एंगल को दो इक्वल भाग में बांटने वाला जो होता है, वो सामने वाला साइड को इस तरह से दो भागों में बांटता है जिस तरह से बाकी दो साइड का रेशियो होता है। यानी रिमेनिंग दो साइड का जो रेशियो होता है वही रेशियो जो होता है अपोजिट साइड के दोनों टुकड़ा का होता है, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर समझ में नहीं आया तो इस चीज़ को फिगर से समझाते हैं ना। यहाँ पर जैसे देखिए, ये मैंने ले लिया ए बी सी कोई एक ट्रायंगल, ये मैं ले रहा हूँ ए, ये बी और ये सी, कोई एक ट्रायंगल है और ये एंगल ए है। तो एंगल ए का ये मैं क्या खींच रहा हूँ, बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। मान लिया जाए एंगल ए का ये बाइसेक्टर खींचे हैं, सॉरी बाइसेक्टर लगना भी चाहिए, थोड़ा फील आना चाहिए। तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया ये ए डी, जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। अगर इसको एक्स मानेंगे तो ये भी क्या रहेगा, एक्स। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो जो रेशियो ये दोनों टुकड़ा का होगा वही रेशियो ये दोनों साइड का होगा, ऐसा प्रूव करना है। यानी कि किसी ट्रायंगल में जब एक एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो बाकी दो साइड का रेशियो जो होता है वही रेशियो दोनों टुकड़ा का होता है। तो कोई भी चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या बताया जाता है, इंट्रोडक्शन दीजिए यानी गिवन जिसको आप लोग बोलते हो, उसके बाद क्या प्रूव करना है वो बताइए, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर में क्या करना होता है। अगर कंस्ट्रक्शन किए तो बताइए, नहीं किए तो फिर प्रूफ देना शुरू करिए, अगर कंस्ट्रक्शन किए तो कंस्ट्रक्शन बताने के बाद प्रूफ देना शुरू करिए। तो चलिए यहाँ पर हम पहले जो है आपको क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी कौन से ट्रायंगल में, एबीसी में, यहाँ पर क्या चीज़ सिर्फ दिया हुआ है कि एडी जो है, एडी इज द बाइसेक्टर। एडी क्या है, बाइसेक्टर है, किसका है जी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव ये करना है कि ये दोनों टुकड़ा का जो साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो ये दोनों टुकड़ा का होगा। यानी कि ए बी बाई ए सी ये जो रेशियो होगा वही रेशियो बी डी बाई सी डी होगा, क्या होगा, बी डी अपोन सी डी होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो ये आपका आ गया क्या प्रूव करना है, व्हाट हैव टू प्रूव, है ना। तो अब हम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम कंस्ट्रक्शन को बताएं कि क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जी। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, सी से एक लाइन खींचेंगे सी ई, जो डी ए डी का यानी डी ए का पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, डी ए का पैरेलल होगा, क्या होगा, डी ए का पैरेलल, एकदम ऐसा जान करके मैं खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ सी ई, सी ई पैरेलल टू डी ए, सी ई खींचे हैं जो किसके पैरेलल है, डी ए को, और फिर ए बी ए को प्रोड्यूस कर दिए, बी ए को प्रोड्यूस कर दिए, जो इसको ई पर कट कर दिया, कहाँ पर कट कर दिया, ई पर कट कर दिया जी। थोड़ा सा देखिए, ये कहाँ पे कट कर दिया, ई पर कट कर दिया, यानी बी ए को बढ़ाए ई तक और उसके बाद सी से ई खींचे जो किसके पैरेलल है, डी ए का पैरेलल है। तो यहाँ पर कहाँ पे कट किया, ई पे कट किया। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए एंड प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, तो प्रोड्यूस्ड किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी ए टू ई, बी ए को ई तक बढ़ा रहे हैं। अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन, अब मैं देना शुरू करता हूँ प्रूफ। अब ये प्रूफ देता हूँ तो क्या प्रूफ दूंगा, सबसे पहला कि ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, नहीं बोले तो एंगल बी ए सी किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी क्या है,
बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी AD से इधर और AD से इधर का एंगल बराबर होगा, यानी एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा? CAD। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा? CAD। और इतना बराबर मैं मान लेता हूँ अपना मन से x, जैसे इसको ये भी x मान लिए और ये भी क्या मान लिए? x। अब एक काम करते हैं, अगर आप लोग ये जानते हैं कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इस तरह से कोई ट्रांसवर्जल काटे, ये दो लाइन पैरेलल है और इसको कोई ट्रांसवर्जल काटे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा जी? तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कब? जब लाइन पैरेलल रहता है तब। तो अब थोड़ा सा देखने वाली बात क्या है जी? तो देखने वाली बात ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, DA और ये C, ये दोनों ही पैरेलल लाइन है। DA और CE क्या है? पैरेलल लाइन है। तो AC ट्रांसवर्जल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। कौन कौन सा? CAD और ACE। कोई भी एंगल का नाम ले तो पूरा पूरा आप देखें, CAD और ACE, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ACE किसके इक्वल होगा जी? CAD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल CAD के बराबर। कैसे? तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण। अब चलिए देखिए, यहाँ पर एंगल ACE और CAD का वैल्यू क्या है? तो CAD का वैल्यू x है, तो CAD के वैल्यू के जगह पे क्या रख दिए? x। तो देखिए तो क्या आ गया? ACE बराबर x आ गया, यानी ये एंगल x, ये x है तो अल्टरनेट से ये इक्वल होता है, तो ये भी x हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्जल आए, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा जी? क्रोस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल होगा? क्रोस्पोंडिंग एंगल होगा। और क्रोस्पोंडिंग एंगल का वैल्यू क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर DA और CE अगर पैरेलल है तो BE जो है क्या चीज़ का काम करेगा? BE जो है क्या चीज़ का काम करेगा जी? तो BE जो है ट्रांसवर्जल का काम करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या चीज़ से? क्रोस्पोंडिंग एंगल से। फिर से एंगल का नाम लेते, कौन सा एंगल? BAD, यानी A के लेफ्ट वाला एंगल। BAD और AEC, BAD इक्वल टू AEC। फिर से सुनिए, BAD इक्वल टू AEC, ये दोनों कौन सा एंगल हो गया? करस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि एंगल AEC इक्वल टू क्या होगा? एंगल BAD होगा। कैसे? तो बाई करस्पोंडिंग एंगल के कारण। कौन से एंगल के कारण? बाई करस्पोंडिंग एंगल्स के कारण हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? एंगल AEC इक्वल टू BAD, तो BAD का वैल्यू क्या है? x है। BAD का वैल्यू क्या है? जरा गौर से देखिए, तो BAD का वैल्यू क्या है? x है। तो BAD की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? x कर दिया। तो AEC ऑटोमेटिक AEC किसके बराबर? x के बराबर हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि आप ACE एक ट्रायंगल देख रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? ACE। ACE एक ट्रायंगल है, उसमें भी एक एंगल x और एक एंगल x, यानी दोनों ही एंगल x के बराबर है, यानी ACE और AEC ये दोनों वैल्यू x के बराबर है, तो इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि सिंस एंगल ACE इक्वल टू एंगल AEC, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं? x के बराबर हैं। अब क्या होता है, किसी ट्रायंगल का एक नियम होता है कि अगर दो साइड बराबर होते तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और उसी का जस्ट उल्टा नियम है कि किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। द अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्लास 9 में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ACE एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड AE और इस एंगल का अपोजिट साइड AC, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ACE में। ACE में कौन से ट्रायंगल में? ACE एक ट्रायंगल है तो उसमें कौन सा एंगल? कौन सा एंगल जी? ACE। कौन सा एंगल? ACE जो है किसके बराबर है? AEC के बराबर है। तो ACE का अपोजिट साइड कौन है? AE हो गया, और उसके बाद AEC का अपोजिट साइड कौन है? AC। तो AE इक्वल टू क्या हो गया? AC हो गया। कैसे? तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़? अपोजिट साइड्स ऑफ
इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसके कारण कौन बराबर आ गया? एसी और ये एई, एसी और ये एई क्या आ गए? इक्वल आ गए। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए ये दोनों को इक्वल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो एक चीज़ होता है, आप क्या पढ़ें कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के अगर कोई लाइन पैरेलल होता है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में काटता है। थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में आप यही तो पढ़े थे ना, क्लास 10 का सबसे पहला थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसमें क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के अगर पैरेलल ले जाते हैं तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में काटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन से ट्रायंगल में? तो आप एक ट्रायंगल का नाम हम लेने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। बी सी ई एक ट्रायंगल है, बी सी ई एक ट्रायंगल है, उसमें देखिए एक साइड बी सी हो गया, एक साइड सी ई हो गया और एक साइड बी ई हो गया। तो डी ए जो है एक साइड के पैरेलल यानी सी के पैरेलल है, तो सी के पैरेलल है तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल बी, इन ट्रायंगल बी सी ई, बी सी ई में क्या है? डी ए पैरेलल टू सी ई है, डी ए पैरेलल है किसके? पैरेलल है सी ई का। तो क्या चीज से? बाई थेल्स थ्योरम या बी पी टी जिसको बोलते हो, बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से क्या पता चलेगा जी, कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा? तो ए बी बाई ए ई, ए बी अपोन ए ई इक्वल टू, इधर का रेशियो क्या होगा? बी डी अपोन सी डी, बी डी अपोन सी डी। तो यहाँ पर देखिए ए बी बाई ए ई, लेकिन हमको प्रूव क्या करना था? ए बी बाई ए सी। तो ए ई को हम बदल सकते, सॉरी ए ई को हम बदल सकते क्या चीज़ में? ए सी में, क्योंकि ए ई बराबर, ए ई बराबर और ए सी लाए थे, ए ई और ए सी बराबर होता है, ऐसा मैंने प्रूव किया वहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी और ए ई के जगह पे क्या कर दिए? ए सी। और ये बी डी बाई क्या हो गया? सी डी। बी डी बाई क्या हो गया? सी डी। और यही तो प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूव। तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड। चलिए तो ये हो गया आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर आप इस थ्योरम को नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि इसको स्क्रीनशॉट मारना तो आप स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आप इसको नोट कर सकें। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर सीखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ये सब जो है कर दें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।